Hi Khalukoo, Assalamualaikum. I hope everyone is okay. Thank you so much for watching my depression vlog and my rest of the vlog and for your comments, for everything. Today I come with a new recipe. It's Sunday and I'm posting everything जो सब कुछ है संडे में क्या करती हूँ वो भी मैंने व्लॉग बनाया है और इंशाल्लाह अभी आज मैं आपको एक यूनिक किस्म का पराठा बना के दिखाती हूँ जो कि फुल मील की तरह होता है भूख भी नहीं लगती उसके साथ एक पराठा खा लो सारा दिन गुजार लो लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों को स्कूल देने के लिए भी अच्छा है तो लेट्स बिगिन प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल टू गेट नोटिफिकेशन मैंने अपने पेड़े बना लिए जैसे मैं लचदार पराठा डाल रही हूँ मैं लिंक शेयर कर लूँगी लचदार पराठे के पेड़े बना लिए हैं और अब मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दूँगी तो पहले सबसे पहले मैं रोटियाँ बनाऊँगी पराठे बनाऊँगी जैसे कि मैं लचदार पराठा बनाती हूँ वैसे बना लूँगी जो मेरे लचदार पराठे का तरीका है जैसे कि मैं लिंक दे दूँगी वो लचदार पराठा पहले सब बना ले लेकिन इसको पूरा कुक नहीं करना आपने बस सिर्फ थोड़ा सा कुक करना है यानी कि हाफ कुक करना है इस पराठे को आपने क्योंकि बाकी ये कुक होगा जब हम इसको डबल बनाएंगे तो इसको बस मैं थोड़ा थोड़ा सा कुक कर रही हूँ हाफ कुक कर रही हूँ बस थोड़ा सा ऐसे ऑयल डाल के ये ऑयल नहीं है वैसे मैंने घी मेल्ट किया हुआ है ये देखिए मैं बस इसको थोड़ा सा ही कुक कर रही हूँ ज़्यादा नहीं और मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं ऐसे पराठे बना के फ्रीज कर देती हूँ हाफ कुक बना के फ्रीज कर देती हूँ जब बच्चे छोटे थे तब तो बहुत करती थी अब थोड़ा कम करती हूँ तो फिर जब कभी बनाने का मूड होता है पराठे का बस फ्रीज़र से निकाल के उसी वक्त बना रही हूँ तो ये मैंने हाफ कुक अपने पराठे बना लिए यूजली मैं इनको फ्रीज भी कर लेती हूँ और मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे क्यों बनेंगे 6 पराठे तो मैंने 6 अंडे लिए हैं एक बड़ा प्याज मैंने छोटे छोटे पीस करके काट लिया है एक शिमला मिर्च मैंने काट ली 3 छोटी चिली काट ली ग्रीन चिली लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो ये स्किप कर दें बंच ऑफ कोरिएंडर ले लिया है और चंद मसाले हैं तो सबसे पहले इसमें मैं हमेशा कोरिएंडर के साथ इसको अंडों को विस्क करती हूँ मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाता है पर आपकी मर्ज़ी है अगर आप चाहें तो आप अंडों को अलग भी विस्क कर सकते हैं पर मैं हमेशा ऐसे कोरिएंडर के ऊपर विक्स कर देती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि अंडों में खुशबू घुल मिल जाती है सो वी गॉट कोरिएंडर हियर एंड देन वी गॉट अबाउट 6 एग्स ब्रोकन इनटू इट एंड वी आर गोइंग टू जस्ट विस्क इट So what was the point that you said that you can do it separately, is it? The reason why I mix it with coriander, I feel like that it's nice aroma smelling egg. Like... Right, it's not eggy smell. It's not eggy smell then. अभी मैं अपना शिमला मिर्च और ग्रीन चिली भी मिक्स कर दूंगी और साथ साथ मैं विस्क करती जाऊंगी ताकि ये पतला होता जाए और अब मैं ऑनियन भी मिक्स कर लूँगी मैं सॉल्ट हमेशा एंड में डालती हूँ ताकि पानी रिलीज ना करे ओके सो मम शी पुट्स द सॉल्ट एट द एंड सो दैट So what doesn't release the water? Because we don't want... So there's no water It won't release. अभी मैं सिर्फ इसमें हाफ अ स्पून ब्लैक पेपर डाल दूंगी और हाफ अ स्पून रेड चिली डाल दूंगी और हाफ अ स्पून गरम मसाला 10 सेट और फिर मिक्स कर दूंगी
अब मैं एंड में आके अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डाल दूंगी. So just put the salt in the end and put it to taste. तो अभी मैंने अपने पराठे को पैन में डाल दिया. जो कच्चा साइड था वो मैंने ऊपर रख लिया है. मैं एक साइड को पूरी तरह से पका लूँगी. अब पहले मैंने पूरा पराठा आधा आधा कच्चा पकाया था और अब मैं इसको पूरी तरह से एक साइड को पूरी तरह से पका लूँगी. ये देखिए तो ये एक साइड पूरी तरह से पक जाए. इसको मैं जो एक नीचे वाला साइड है उसको मैं पका लूँगी और मैं देखूंगी कि अच्छी तरह से पक गया. ये अब अच्छी तरह से पक गया है. अब इसको मैं साइड पराठे का भी एक साइड अच्छी तरह से पका लूँगी. थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी. इसको भी मैं अच्छी तरह से जैसे पराठे को बनाते हैं एक साइड को मैं अच्छी तरह से बना दूँगी. इसका भी अब ये एक साइड अच्छी तरह से बन गया है. आपको दिखाती हूँ. अब इसको भी मैं एक तरफ रख दूंगी. अब थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी एक आधे स्पून के बराबर. थोड़ा सा ऐसे तीन स्पून के बराबर और साथ साथ फैलाती भी जाऊंगी. So she's cooked one side of the paratha even more to make it more crispy, and now she's putting the egg mix in onto the pan. About 3 spoons of it. बिल्कुल अपने पराठे की साइज का कर दूंगी इसको फैला के. और अगर ना भी फैल सके तो इसको ऐसे भी फैला सकते हो. इसको ऐसा ऐसा घुमा के ऐसे भी फैला दे. So you can spread it with a ladle, or what you can do is just hold the pan and just. In a circular motion so it gets to the edges. साइडों से ऐसे करना जरूरी है ताकि आपका जो ऊपर का पानी है उसको आप नीचे की तरफ ले जा सके. Repeat the process again so that you have the remaining juice. Remaining mix into the spaces of the pan. अब जिस पराठे का जो साइड मैंने पकाया हुआ था वो साइड मैं इसके ऊपर रख दूंगी. So the side that she's cooked again, you place that on top of the egg. और कच्चा साइड ऊपर की तरफ छोड़ दूंगी. And the half cooked side on top should be facing upwards. अब मैं एक प्लेट को इसके ऊपर रख दूंगी इस किस्म से और इसको पलट दूंगी. So place a plate on top of the mix. ये पलट गया. अब इसको मैं वापस ऐसे रख दूंगी. Put it back in the bowl. अगर कोई किनारा ठीक नहीं है तो इसको ठीक कर दूंगी. थोड़ा सा ऑयल नीचे की तरफ डाल दूंगी ताकि नीचे वाला साइड भी अच्छी तरह से पक जाए. Just put a bit of oil on the edges so that lower side also gets cooked properly. और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज डाल दूंगी. चीज इसलिए डालते हैं कि ये ग्लू के जैसा काम देता है. लेकिन अगर आपने चीज नहीं डाला और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेयोनेज वगैरह या कोई सॉस डाल के कर दे तो उससे भी आपका ग्लू का काम हो जाएगा. अब मैं ये जो मेरा पका हुआ साइड है, चीज एक्ट्स लाइक अ ग्लू. इफ यू डोंट लाइक चीज यू कैन पुट मेयोनेज, इज इट? या मेयोनेज और एनी सॉस यू लाइक. अब वापस मैं अपने प्लेट को इसके ऊपर रख दूंगी. हम ऐसे भी पलट सकते हैं लेकिन ये तरीका बहुत आसान होता है. और अपने अदर साइड के पराठे को कुक कर लूंगी. So flip it over again so you could cook the other side. Yeah. थोड़ा थोड़ा सा दबा दे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए.
क्योंकि हमने जो साइड कच्चे छोड़े थे उनको हमने अच्छी तरह से पकाना है. Make sure you press the sides so that they get cooked. हमारा संडे का हमेशा नाश्ता हैवी होता है, तो ये आज हमारे संडे का नाश्ता है जो कि बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है. इसे लेना फिर या मैं बस आसान वाला काम करती हूँ, जो टोर्टिला रॉप होता है उसमें इस किस्म का बराठा बना देती हूँ. अच्छा, अब आप इसको पकड़ के ऐसी दूसरी साइड पे कर ले. अब ये ग्लू की तरह चिपक गया है, अब आपको प्लेट की ज़रूरत नहीं है. मैं बड़े स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पराठा अच्छी तरह से कुक हो जाए. Cook it on slow flame. पर आपकी मर्जी है, अगर आप पूरा कुक करके पलटाना चाहती हैं तो पलटा सकती हैं, इससे आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी. और मेरा पराठा नीली रेडी है, बस मैं थोड़ा सा दूसरे साइड को थोड़ा सा पकाऊंगी. और ये जब आप अचार के साथ या किसी चीज़ के साथ खाएंगे, आप इसको अचार के साथ खा लें तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन आप अचार के बगैर भी खा सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इज अमेजिंग पराठा. अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए मेरा पराठा कितने प्यारे तरीके से डिश आउट हो गया है. और अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ. मैं हमेशा इस पराठे के 8 स्लाइस करती हूँ. पर ओके, सो मैं आज इकबाल से टेस्ट कराऊंगी जिसमें हमारे बंबाल है. तो इकबाल ने कुक कर दिया और हरीम रो रही इकबाल को कहती है कि मुझे दूध डाल के मेरे को. आजकल के बच्चे बाप से दूध मांगते हैं, माँ से नहीं. अभी मैं टेस्ट करूंगी. सो उम्मीद है आपको मेरे डबल डेकर पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी. हरीम पीछे से पंप 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 कर रही है क्योंकि संडे है, सारे बच्चे आए हुए हैं, शोर काफी है, उसके लिए बात में सॉरी कहती हूँ. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे. प्लीज कमेंट्स करना और बताना कि आपको मेरा डबल डेकर पराठा कैसे लगा. अल्लाह हाफिज़. और ये लास्ट में मैंने अपने लिए पराठा बना लिया. मेरा पराठा भी रेडी है और अब आपको दिखाती हूँ इसकी भी स्लाइस करके. हमेशा आखिर में मैं अपने लिए बनाती हूँ. और अब मैं, बच्चे तो खा लिए हैं बच्चों ने, और अब मैं इसके साथ कप ऑफ कॉफ़ी बनाऊंगी और खाऊंगी. She just want to see her mama. कना ना फो. हो ये क्रंच देखे ना, क्रंच देखे ना. वही वही मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखा दूं क्योंकि अंदर से मैंने आपको दिखाया नहीं था. ये देखिए अल्लाह, पराठा है कि क्या है. ये देखिए हर स्लाइस अंदर से ऐसा है. और अभी मैं इसको कॉफ़ी के साथ इंजॉय करूंगी और आपको दिखाती हूँ. सो ये मेरी कॉफ़ी पीने की, चाय पीने की जगह है. मैं हमेशा तो नहीं, लेकिन अपने कंजर्वेटिव में बैठ के अपनी कॉफ़ी और चाय सुबह का नाश्ता यहाँ इंजॉय करती हूँ. तो मेरी कॉफ़ी तैयार है. ये मेरा कप है लास्ट. मेरे ख्याल में जब एला 2 साल की थी तो ये उसने मुझे दिया था, और अब एला 9 साल की है. तो 7 साल पहले का कप है और मैं हमेशा मॉर्निंग में इससे कॉफ़ी पीती हूँ. ये मेरा कप एला ने डिज़ाइन किया था. ये देखिए, ये उसने लिखा हुआ है. सो इसमें मैं कॉफ़ी पीऊँगी, साथ में अपना पराठा इंजॉय करूँगी.
और आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग भी जाओ और ये कॉफ़ी अपने लिए बनाओ इस तरह की। वैसे कॉफ़ी की रेसिपी मुझे पोस्ट कर देनी चाहिए, बहुत इंतज़ार करा रही हूँ आप लोगों को। तो लेकिन पराठा तो बना सकते हो, ये डबल डेकर पराठा बनाओ। और इस डबल डेकर पराठे के बारे में कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसे लगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे मैंने दो दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कह दी है, तो दूसरी दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ। पर अल्लाह आप सबका निगेबान हो, आपको अपने अमान में रखे, मुझे दुआओं में याद रखना। ऑन सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।